एमआर का जो नया प्रोजेक्ट आया है अर्बन ओएसिस ऑन गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड, उसके बारे में मैं पहले से पॉजिटिव था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पॉजिटिव था और अब एमआर की तारीफ करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं वीडियो ये बना रहा हूँ कि चाहे माना कि क्लब हाउस दो दो हैं, स्पेसिफिकेशन अच्छी हैं, एमआर के लास्ट प्रोजेक्ट से ये वाला प्रोजेक्ट बहुत बेहतर है, बट मार्केट में आज चैनल पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि सर एमआर के 10x एप्लीकेशन, मतलब 10 गुना एप्लीकेशन आई थी, और इस चक्कर में जो भी नया लॉन्च हो रहा है चाहे किसी भी एरिया में हो रहा है सर ले लो वरना आप रह जाओगे। तो उस चक्कर में आई थॉट कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए कि इस फोमो फिर से नया, पहले DLF आर्बर का फोमो था, फिर किसी और चीज़ का फोमो था, मार्केट में ये 10x एप्लीकेशन हर चैनल पार्टनर के मुंह में चढ़ गई है कि सर 10x एप्लीकेशन एमआर के लास्ट प्रोजेक्ट्स में आई थी, आप मत रह जाना सर, आप मत रह जाना। बट अगर हम देखें एमआर की जो 10 गुना एप्लीकेशन आई हैं उसका जो कोर है अफोर्डेबल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बट अफोर्डेबल के टाइम पे कभी भी कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए हमें ऑन द स्पॉट पैसे देने होते थे, जहाँ पे आज यहाँ पे एलोकेशन के बाद बिल्डर ने वो चेक बैंक भी नहीं करा और बिल्डर ने बोला कि अगर आपको ये यूनिट अच्छा लगता है तो आप RTGS कर दीजिए, NEFT कर दीजिए, हम किसी का भी चेक बैंक नहीं कर रहे। तो आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो 10x एप्लीकेशन है इट इज़ मोर ओवर अ इंटरेस्ट फॉर्म जो बिल्डर ने रेस करा पूरी मार्केट से, जहाँ पे आज वो एक ड्यूरेशन पहले प्री लॉन्च के टाइम पे वैसे ही गुड़गांव मार्केट में बहुत बज रहता है, चैनल पार्टनर्स दो दो तीन तीन महीने पहले से काम करने लग जाते हैं टू एनी गुड लॉन्च विच इज़ कमिंग। तो एमआर का इनिशियल ट्रैक्शन तो था, उसके बाद इन लोगों ने ये इंटरेस्ट फॉर्म की स्कीम करके 3-4 दिन और दे दिए मार्केट को काम करने के लिए, जहां हमने देखा कि जहां एक एप्लीकेशन एक फैमिली से ना आके 3-4 एप्लीकेशन आई, जहां पे मेरे जैसे चैनल पार्टनर्स ब्रोकर्स ने अपने खुद के चेक्स डाल दिए, जहां पे मेरे ऑफिस में जो टीम मेंबर्स हैं वैसे ही सबके ऑफिस में टीम मेंबर्स हैं जिनके बैंक अकाउंट में पैसे हो ना हो उन्होंने भी चेक डाल दिया, थिंकिंग कि भैया ये तो लॉटरी है, मेरा चेक लग भी गया, सबको पता था बैंक तो होना नहीं, अगर हो भी गया तो क्या चैलेंज है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे तो है ही नहीं अकाउंट में, क्या हो जाएगा। तो लोगों ने आज एक एप्लीकेशन की जगह 5 लगाई, पूरी मार्केट में सब चैनल पार्टनर्स को पता था कि इतनी हाइप है, अगर हमारे नाम पे यूनिट आ गया तो हम अपने क्लाइंट्स को वैसे ही यूनिट दे देंगे ये हाइप क्रिएट करके। अगर आप मे से पूछो तो इसका मेन रीज़न क्या था, मेरे हिसाब से एमआर इन दिस ईयर इटसेल्फ दीज गाइज हैव अ प्लेथरा ऑफ लॉन्चेज विच आर कमिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि एमआर ने ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्लान आउट करके ये प्रोसेस बनाया है, जहाँ दीज गाइज वॉन्टेड टू कम अगेन इन द मार्केट विद अ बैंग एंड एवरीबडी स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग कि एमआर आ गया है एंड दिस वुड डेफिनेटली हेल्प देम इन देयर नेक्स्ट लॉन्चेज, जहाँ हम देख रहे हैं जो उनके दूसरे एक्सटेंशन रोड पे ही दो और लॉन्चेज हैं इन फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम फ्रेम, एक तो अगले महीने कहते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छी इनिशियल ट्रैक्शन मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बट मैं जिस बात पे फ्रस्ट्रेटेड हूँ वो ये बात है कि आई हैव इनकाउंटर्ड पीपल जिनके पास बैंक में 10 लाख रुपए भी नहीं थे, उन्हें भी यूनिट्स एलोकेट हुए हैं, जिनके पास 25 लाख रुपए थे और उन्होंने 25 लाख रुपए के चक्कर में सोचा कि वी वुड बी एबल टू मेक एन क्विक प्रॉफिट आउट ऑफ दिस, और 25 लाख रुपए में उन्होंने चेक अप्लाई करा दिया और वहाँ पे आज की डेट में उनके पास यूनिट है एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर बायर, जहाँ पे वो चाहते हैं कि कोई ग्राहक आ जाए आप जैसा मेरे जैसा और उन्हें कुछ पैसे दे जाए। 15-20 लाख रुपए मांग रहे हैं आजकल एक अच्छे ढंग के यूनिट के लिए, तो वो 15-20 लाख रुपए कोई दे जाए और वो अपना छुटकारा करें क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं नहीं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू IPO, जो हम देखते हैं कि IPO आता है और सारे लोग पागलों की तरह शेयर लेने लग जाते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देखते नहीं हैं, वैसे ही कंपनी के फंडामेंटल्स मेरे हिसाब से एक सोसाइटी में उसका यूनिट होता है। अगर हम MR के पुराने लॉन्च की बात करें डिजी होम्स में, देर वर इन्वेंट्रीज विच MR वॉज नॉट एबल टू सेल इट आउट बिकॉज वो इन्वेंट्री हर हाई राइज में सारी इन्वेंट्री बहुत अच्छी नहीं होती, और
बहुत अच्छी नहीं होती। इस चक्कर में एमआर ने खुद 20-20% डिस्काउंट दिया है इंटरनली और वो इन्वेंट्रीज बेची हैं। बट आज हम देखते हैं कि एलोकेशन का प्रोसेस हुआ, बज हुई और गंदा सा गंदा माल भी लोगों ने ले लिया। यहाँ पे हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि चैनल पार्टनर्स ने इतनी मेहनत करी और उन्हें एलोकेशन के नाम पे बहुत कम यूनिट्स मिले और उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई करा कि किसी को कोई भी यूनिट मिला हो तो उसे एक अच्छी तरह ब्यूटीफुल सा पोर्ट्रे करके दे दिया जाए। प्लस आप जैसे मेरे जैसे लोगों में भी फोमो था कि जी ये मिल रहा है ले लेते हैं, बट हम कोर भूल गए कि आज हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इसलिए खरीदते हैं बिकॉज वी वांट एटलीस्ट द प्रेफरेंस ऑफ व्हाट यूनिट वी वुड लाइक। अगर हमें वही नहीं मिल रहा तो मुझे लगता है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने का जो मेन मोटिवेशन है हम उससे ही दूर जा रहे हैं कि आज आर्बर में भी यूनिट्स वर वेरी डिफिकल्ट टू गेट बट एटलीस्ट दिस गाइस गेव अस द प्रेफरेंस ऑफ व्हाट फ्लोर वी वांट एटलीस्ट। और आज मैं देखता हूँ कि किसी को 20th माले पे रहना था तो उसको ग्राउंड फ्लोर का यूनिट मिला हुआ है, मतलब सेकंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का, और जिसको ऊपर नीचे रहना था उसको ऊपर का मिला हुआ है और दोनों इस ताक में हैं कि जी हम यूनिट एग्जिट कर देंगे, एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बना लेंगे और बाद में ऊपर का नीचे वाला ऊपर वाला ले लेगा और ऊपर वाला नीचे ले लेगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ब्रोकर्स तो बहुत मजे ले रहे हैं मार्केट में, जिन्होंने यूनिट लिया है वो भी आज बहुत खुश हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आप बहुत खुश होंगे कि यार कहाँ 4,000 लोगों ने एप्लीकेशन लगाई, इनमें से मैं एक लकी इंसान हूँ जिसको ये यूनिट मिला। तो जो चंद इंसानों को यूनिट मिले हैं अगर आप भी उनमें से हैं तो आप भी बहुत खुश होंगे, चैनल पार्टनर्स भी बहुत मज़े ले रहे हैं जिनके क्लाइंट्स के यूनिट निकल गए हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी बहुत खुश हैं जिनके यूनिट निकले हैं। बट मैं ये देख रहा हूँ कि एक लॉबी सी बन गई है जहाँ इन्वेस्टर्स हु आर वेरी न्यू टू दिस फील्ड इन गुड़गांव एटलीस्ट, चाहे कहीं और मार्केट में करते हो ना करते हो मुझे नहीं पता, आई कुड जस्ट टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट, वहाँ वो सोच रहे हैं कि हम चेक देंगे और उसमें हमें प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब चेक से ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किन की बातों में आके ये सोच रहे हैं कि चेक पे ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि मेरे भी रिश्तेदार कम नहीं है, मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स कम नहीं है, मैं ये वीडियो छोड़ के अगर चेक में ही प्रॉफिट मिलता होता तो मैं अपने खुद की भी चेक लगा सकता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि DLF आर्बर में ये प्रीमियम है वो प्रीमियम है, हमने सुना है, बट अभी तक DLF आर्बर के ट्रांसफर्स खुले नहीं हैं एंड MR पिचिंग दैट द फर्स्ट ट्रांसफर इज फ्री, उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर ही अट्रैक्ट हुए हैं और जब ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आना किसी भी चीज़ में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब ट्रांसफ़र खुलेंगे तो हर बंदा बोलेगा बेच दो ना यार। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, यही होगा कि अभी बिक रहा है ATS में बेच लो बाद में। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्यों, क्योंकि पहले तो ATS में बेचना बहुत आसान नहीं है क्योंकि आप पे कोई दूसरा बंदा क्या कैसे क्यों भरोसा करे कि आप जो उसके पैसे ले रहे हो और आपके पास तो ही 25,00,000 रुपये अपने बैंक में, आपके 25,00,000 रुपये क्या भरोसा करे कि आपको वो 80,00,000 रुपये पैसे दे दे फॉर यू टू कम्प्लीट दैट 20% टू MR। और अगर आपका चैनल पार्टनर बहुत अच्छा है और वो आपको प्रॉफिट कमा के देना चाहता है, या यू आर वन ऑफ दोज लकी फ्यू जो सच में दिस गाइस हैव बीन एबल टू एग्जीक्यूट 10,00,000-15,00,000 का प्रीमियम ऑन योर यूनिट, एंड मुझे समझ नहीं आया, वन ऑफ माय नोन्स हैड ए यूनिट जिन्होंने लिया था, उनके यूनिट से क्लब हाउस की दीवार दिखती थी, मतलब बैल्कनी में खड़े हो गए तो क्लब हाउस की दीवार दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, वो भी 10,00,000 रुपये प्रीमियम में बेच पा रहे हैं। अब वो बेच पा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन होगा। आपको वही चीज़ लेनी चाहिए जहाँ आप थोड़ा सा एटलीस्ट हाई राइज में तो 1.5 साल को दिखता भी नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं दिखता, एटलीस्ट यू शुड हैव एन होल्डिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, जैसे मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म इन रियल एस्टेट इज 2 ईयर्स। एक्सटेंशन रोड की बात करो, पूरी में मिनिमल प्रॉफिट है, इतना टाइम हो गया कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया, 4 BHK में तो रेट टू रेट पर मिल जाता है। वी आर गोइंग टू सी अनंतराज, डार्क, पुरी का फेज 2, हाइंस, गोदरेज, ये सब आ रहे हैं इस साल में। जब इतने लॉन्चेज हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ब्रोकर आपका यूनिट रीसेल कराएंगे या नया माल बेचेंगे? थैंक यू।